दंडौत बंदने अनकबार सर्वकला समरथ डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हाथ दस शमा हो एक महफल में पर उनकी जलक तो एक ही है दस गुंचे रंग बिरंग खिले पर उनकी महक तो एक ही है दस गौहर है एक माला में पर उनकी चमक तो एक ही है दस संत मिले दस बेसों में हृदय की फड़क तो एक ही है हर रंग में हमको मिलते हैं वो बाबा नानक साहे गुरु सब संगत शीस निवाय कहो मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु जी मेरे मनो न विसरे हर रंग में हमको मिलते हैं वो बाबा नानक साहे गुरु सब संगत शीस निवाय कहो मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु जी मेरे परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालक करोड़ा ही खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी हजूरी अंदर सज के मिल बैठी संगत जी आप जी बड़े वड्डियां भागां वाले हो चंगे भागां वाले हो जो इस समय गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी हजूरी अंदर सज करके अमर शहीद तन धन बाबा जीवन सिंह जी होना दे प्रकाश दिहाड़े नू लै करके गुरु घर दे कीर्तनियां दे पासों गुरु घर दे कथावाचकां दे पासों रब दे प्यारियां दी कथा कीर्तन दे नाल जुड़े से साहिब जीयां दा पावन फरमान है बिन भागां सत संग ना लब्भै बिन संगत मैल परिजै जीउ सतगुरु जी कहिंदे किसे मनुख दे बड़े चंगे भाग होण चंगे कर्म होण तां किते जा के गुरु दी संगत मिलदी आ आप जीयां नूं पता है कि अज दे समें विच संगत विच बैण दा आम मनुख दे कोल ते समां ही नहीं हैगा जिस बंदे दा काम कार वधिया चलदा आ जो मनुख अज दे समें विच वधिया पैसे कमाउंदा ओदी जबान ते एक गल हुंदी आ जी मेरा ते काम कार ऐसा चलदा मेरे को गुरु घर जाण दा समां ही नहीं हैगा गुरु की बाणी पढ़न दा मेरे कोल समां ही नहीं हैगा क्यों क्योंकि मेरा काम कार वधिया चल रहा है मैं सवेरे ते उठ के इशनान पान करके सीधा काम ते जांदा गुरु घर जाण दा समां नहीं हैगा तुसीं इस समय गुरु घरे बैठे हो तुहाडे चंगे कर्मां दी निशानी है सब तो पहला अज बाबा जीवन सिंह जी होना दा प्रकाश पुरब है आप सरबत संगतां नूं बाबा जीवन सिंह जी होना दे प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां होण जी संगत जी बाबा जीवन सिंह जी होना दा जो प्रकाश दिहाड़ा है ना वो ग्रंथां दे हिसाब दे नाल 13 दसंबर दा है 13 दसंबर नूं है बाबा जीवन सिंह जी होना दा प्रकाश दिहाड़ा पर श्रोमणी प्रबंधक कमेटी वालों जां श्री अकाल तख्त साहिब दे प्रमाणा दे सहत इनू 5 सितंबर दा मनाया जांदा है क्यों क्योंकि संगत जी दसंबर दे महीने दे विच बाबा जीवन सिंह जी होना दा शहीदी पुरब आउंदा है नाल दी नाल होर महान शहीदां दे पुरब आउंदे हन इस करके 5 सितंबर नूं बाबा जीवन सिंह जी होना दा प्रकाश दिहाड़ा समर्पित कीता गया है लेकिन 13 दसंबर नूं बाबा जीवन सिंह जी होना दा प्रकाश दिहाड़ा आउणा है सब तो पहला संगत जी बाबा जीवन सिंह जी होना दे पिता जी होना दा नाम जिन्हां दा नाम इतिहास विच सदा आनंद करके आंदा है ते माता जी होना दा नाम माता प्रेमो जी करके आंदा है
माता पिता का जीवन जैसा हुंदा है तैसा ही जीवन संगत जी बच्चों का हुंदा है। जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पूछिए सतगुरु जी ये गल सच्ची है तो सतगुरु जी आखते हैं बिल्कुल सच्ची है। लो प्रमाण सतगुरु जी आखते हैं पूता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। एक मां की आसीस होवे ना कि पुत्रा तू भगत बनी बाणी पढ़िया कर अमृत वेला सांभिया कर। माता पिता का डंडा कायम होवे ते बच्चा भजदा गुरद्वारे आउंदा ते जे माता पिता दे अलों ढिल होवे ते फिर संगत जी बच्चा माड़ी संगत वल नशियां पत्तियां वल जां फिर उस ऐसी जगह ते जाके बैठ जांदा जिथे जाके उहदा जीवन बनना नहीं विगड़ना सी। जे बाबा जीवन सिंह जी हुणा दे जीवन की गल करिए ते ए जीवन संगत जी उन्हां दे माता पिता जी हुणा ने बनाया। बाबा जी हुणा दा प्रकाश दिहाड़ा 13 दिसंबर 1661 ईस्वी नूं श्री पटना साहिब जीआं दी पावन पवित्र धरती उत्ते हुंदा है जिथे साडे बापू गुरु तेग बहादुर महाराज जी सज करके संगतां नूं गुरसिखी दे नाल ते गुरसिखी दे प्रचार प्रसार दे नाल जोड़ रहे हन। जिस दिन बाबा जीवन सिंह जी हुणा दा संगत जी प्रकाश दिहाड़ा आया बाबा जीवन सिंह जी हुणा ने जन्म लिया उस दिन संगत जी पटना साहिब दी धरती उत्ते बहुत वड्डे इकट्ठ दे विच समागम होए क्योंकि संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुणा दा प्रेम बाबा सदानंद जी हुणा दे नाल बहुत करीबी सी। गुरु नानक पातशाह जी तो लै करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया दे नाल बाबा जीवन सिंह जी हुणा दा पूरा परिवार रहा है। ये संगत जी श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे विच सारा हवाला लिखिया कि गुरु नानक देव महाराज जिया तो लै करके दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज गुरु अमरदास महाराज गुरु रामदास महाराज सारे गुरु साहबाना दे नाल बाबा जीवन सिंह जी हुणा दा पूरा परिवार रहा है। पर संगत जी अज दे समय विच कोई प्रचारक कोई लेखक ये गल लिखण लई राजी नहीं क्यों क्योंकि संगत जी आखदे ये तो नीवी कौम है। पर संगत जी जे असल दे विच वेख्या जावे ना ते साडे बापू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आखदे हन हम है मजबी मजब हमारा हिंदू तुरक दोहों से न्यारा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहिंदे तुसी मजबियां नूं नीवी कौम आखदे सतगुरु जी कहिंदे मैं भी मजबी। मजबी दा असल दे विच अर्थ की हुंदा है मजबी दा अर्थ हुंदा है जो अपने मजब दे विच पक्का रहे अपने धर्म दे विच पक्का रहे उहनूं संगत जी असली मजबी मन्निया जांदा। बाबा जीवन सिंह जी हुणी जो के मजबी सिख हन उन्हां दा संगत जी प्रकाश दिहाड़ा अज दे दिन होया पटना साहिब दी धरती उत्ते बहुत वड्डे समागम होए। पटना साहिब दी धरती उत्ते मठियाईयां वंडियां गईयां गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुणा ने संगत जी पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुणा ने बाबा जीवन सिंह जी हुणा नूं अपनी गोदी दे विच चुकिया। पिता सदानंद जी आए सतगुरु जी तुहाडा ही बच्चा है कृपा करके इन्हां दा नाम रखो ते पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुणा ने इन्हां दा नाम जैता जी क्यों रखिया क्योंकि जिस दिन बाबा जैता जी हुणा दा प्रकाश हुंदा है उस दिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी एक बहुत वड्डी जंग जितदे हन उह जित्ती हुई जंग तों इन्हां दा नाम भाई जैता जी रखिया जांदा है। बाबा सदानंद जी हुणी बड़े खुश हुंदे हन कि मेरे पुत्र दा नाम गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने आप भाई जैता रखिया है। इन्हां नूं संगत जी जैता जीआं दे नाम दे नाल पटना साहिब दी धरती उत्ते पछाणिया जांदा है सारे ही इन्हां दा नाम बड़े प्रेम दे नाल भाई जैता जी करके जांदे हन। उस तो 5 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया का प्रकाश पुरब हुंदा है जिस गुरु तो जिस उस्ताद तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी विद्या पढ़ते हैं उस ही उस्ताद तो उस ही गुरु तो भाई जैता जी विद्या पढ़ते हैं। असल दे विच चाहे इतिहास दे विच इन्हां दे पिता भाई सदानंद जी आउंदा है पर संगत जी बाबा जैता जी हुणा दी परवरिश गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने हत्थी कीती है। ग्रंथां दे विच संगत जी ये सारा ही कुछ लिखिया आउंदा है।
जिस उस्ताद तो जिस गुरु तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी घोड़सवारी सीखते हैं, गतका सीखते हैं, नेजेबाजी सीखते हैं, बंदूक चलाने का अभ्यास करते हैं, उसे ही उस्ताद तो उसे ही गुरु तो बाबा जीवन सिंह जी होनी जानी के बाबा जैता जी होनी गोली चलानी सीखते हैं, गतका सीखते हैं, घोड़सवारी सीखते हैं, ग्रंथा का ज्ञान लेंदे हैं। समा अपने हिसाब के नाल चलता गया संगत जी, समा बहुत घट है। आप सारी गल बाबा जीवन सिंह जी होना दी उत्थ तक लियानी है जिथे पूरन गुरसिख बने, जिथे उन्हां नूं रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ के संग समेटे दा खिताब मिलिया। समा अपने हिसाब नाल चलदा गया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्हां दे कोल कश्मीर दे संगत जी 16 पंडित ब्राह्मण आउंदे हन। हाथ जोड़े कश्मीरी पंडितां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी कृपा करो, तुरकां ने साडे परिवार उजाड़ के रख दिते, तुरकां ने साडा खाना हराम कर दिता, जीना हराम कर दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुणा ने आख्या कि तुसी पंडित लोग हुंदे हो, विद्वान हुंदे हो, पढ़े लिखे लोग मन्ने जांदे हो, ऐसा तुसी की कार्ज कर दिता जिदे नाल तुरक तुहानूं तंग करदे हन। हाथ जोड़ के आख्या गुरु तेग बहादुर महाराज जी, बादशाह औरंगजेब का कहना है जो कोई पूर्ण संत कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आके अपने शीस की बलि मैनू दे दे तो मैं तुहानूं पंडितां नूं तंग नहीं करांगा। लागे ही गुरु गोबिंद राय जी बैठे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज 6 साल की उम्र है। अपने पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी पुछते हैं, पिता जी ये पंडित तुहानूं की कहिंदे हन? ते संगत जी, साडे बापू गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने आख्या, पुत्र ये आखते हैं कि संसार दे विच कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कोई पूर्ण गुरु होवे अपने शीस की बलि दिल्ली चांदनी चौंक में जा करके भेटा कर दे तो औरंगजेब बादशाह इन्हां दे घर बचा देगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 7 साल की उम्र के हाथ जोड़ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी अगे, पिता जी तुहाडे तो वड्डा गुरु कौन है? गुरु नानक पातशाह तो वड्डी गद्दी इस संसार दे विच केड़ी है? इवें करो तुसी दिल्ली नूं चाला पाओ, उत्थे जा करके अपना शीस जो है धड़ दे नालों वखरा करवा दो। पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने आख्या, गोबिंद राय मैं अपना शीस इन्हां पंडितां दे वास्ते अपने धड़ दे नालों वखरा तां करवा दवांगा, पर याद रखी तेरे सिर तो तेरे प्यो दा साया चलिया जाणा जिद्दन मैं दिल्ली नूं चाला पा दिता। पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे, सतगुरु जी की होवेगा जे मेरे शीस तो मेरे सिर तो तुहाडा साया चलिया जाएगा, पर यह पंडित ब्राह्मण कश्मीर दे विच पता नहीं किन्ने बच्चे हैं जिन्हां दे प्यो दे साए उन्हां दे सिर तो जा रहे हैं। मेरा बापू जे मेरे सिर तो चलिया भी जाएगा, मेरे सिर ते मेरे बापू की छत ना भी रहेगी। तो संगत जी उस समय गुरु गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं, पिता जी मैनू इस गल की परवाह नहीं। पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज बड़े खुश हुए। सतगुरु जी कहन लगे, तेरे तो यही उम्मीद सी। उस समय संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुणा ने अपनी शहीदी तो एक महीना पहला अपने किले के अंदर एक मीटिंग रखी है। आपां घर दे विच कोई छोटा जिहा प्रोग्राम भी करना होवे ना, ते संगत जी महीना महीना पहला डेढ़ महीना पहला तैयारियां करते, रिश्तेदारां दे नाल अपने परिवार दे नाल सलाह करते, सलाह दे नाल चलदे की करना चाहिदा। ते इत्थे ते संगत जी गुरु नानक पातशाह दी गद्दी गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्हां ने अपना शीस धड़ नालों वखरा करवाउणा कोई छोटी मोटी गल नहीं। एक महीना पहला गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्हां ने एक मीटिंग सदी आ, जिस दे विच संगत जी 5 सिख आए हन, 5 सिखां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि आपां पंडितां ब्राह्मणा की फरियाद नूं सुन करके हुण दिल्ली नूं जावांगे। वह तो उत्थे जाके पता लगेगा कि साडी जिहड़ी शहीदी है वह टल है जां फिर नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने 5 सिखां नूं आखिया, सिखो तुसीं साडे नाल चलोगे, जे तां असीं उत्थे गए उत्थे जांदिआं नूं सानूं शहीद कर दिता, तुहाडे विचों इक जणा आ के सुनेहा तां ला देवेगा कि साडी शहीदी हो गई है, जां फिर उत्थे शहीदी की गल चलेगी, तुहाडे विचों सिख आ के दसणगे कि शहीदी अटल है। उस समय संगत जी गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिते हुए समय अनुसार दिल्ली औरंगजेब बादशाह दे दरबार दे विच पेश हुंदे हन।
पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्हां नूं बहुत लालच दिते जांदे हन। हूरां दे सपने दिखाए जांदे हन, वड्डे महलां दे धन दौलतां दे। औरंगजेब बादशाह कहिंदा गुरु तेग बहादुर महाराज अपना तख्त तुहानूं दे देवांगा, कृपा करके मेरी ईन मन लवो। पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज कहन लगे, तेरे कोल तां दिल्ली दा तख्त है, पर मेरे कोल करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दा तख्त है। जेड़े तू तखत की गल करदा, ए तखत तां मेरे सिख भी ए तखत दे लायक नहीं हैगे, मेरे सिख भी इन्हां वड्डियां तखतां दे किते बैठिया करनगे। ऐसे जवाब दिते औरंगजेब बादशाह ने गुस्से दे विच आ करके दिल्ली दे विच ऐलान कीता कि गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं दी शहीदी अटल है। गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं दा सीस धड़ दे नाल वखरा कीता जाएगा। दोपहर के समय 12:01 दे विच दा संगत जी समा रखिया गया। जे समय संगत जी शहीदी तो 2 दिन रह गए, उस दिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने भाई जैता जी उन्हां नूं अपने कोल बुलाया। सिखा, मैनू पता है तू मजहबी है, मैनू पता है कि तू अपने धर्म दे विच पक्का है, इस करके मैं तैनूं एक ड्यूटी लाउणी चाहुंदा हां। भाई जैता जी उन्हां ने हाथ जोड़े, सतगुरु साहब जी जे तुहाडी कृपा होवेगी फिर तां तुहाडी शहीदी भी मैं रोक सकदा हाँ, तुहाडी कृपा होवेगी तां तुहाडी कही हुई एक एक गल मान सकदा हाँ। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने संगत जी पहला हुक्म लाया भाई जैता जी उन्हां नूं कि जैतिया साडी शहीदी अटल है, ये गल तू श्री आनंदपुर साहब की धरती ते जाके पहुँचाउणी है। बाबा जैता जी उन्होंने हाथ जोड़े, सतगुरु जी 7 बचन हैं, मैं आनंदपुर साहब जावांगा, आनंदपुर साहब जाके मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सारे सिखां नूं ये गल दसांगा। उस समय संगत जी भाई जैता जी हुणी जंगली इलाके थानी जंगली जानवरों तो बचते हुए हनेरियां रातों तो बचते हुए पहला आनंदपुर साहब आए हैं शहीदी तो 2 दिन पहला। भाई जैता जी होना ने आ करके गोबिंद राय जी होना फतेह बुलाई। उस समय संगत जी जो शीश झुकाया गोबिंद राय जी होनी संगत जी भाई जैता जी होना का बहुत सत्कार करते सी। क्यों? क्योंकि भाई जैता जी होनी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो 5 साल वड्डे हैं। गोबिंद राय जी होना ने हाथ जोड़े, भाई जैता जी उन्हां नूं कहन लगे, भाई साहब जी की खबर है, सानू पता है तुसी आप आए हो। गुरु साहब जी ने कोई ना कोई ऐसी गल कह के भेजी होवेगी जो तुहाडे तो बगैर कोई नहीं सी दस सकदा। भाई जैता जी उन्हां ने हाथ जोड़े, सतगुरु साहब जी ने आख्या है कि जिहड़ी साडी शहीदी है अटल है, 2-3 दिन बाद गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सीस धड़ दे नाल वखरा कीता जाएगा। दोपहर समय 12:01 दे विच गुरु गोबिंद राय जी महाराज बड़े खुश होए हैं। खुशी का कारण की है? सतगुरु साहब जी खुश होए हैं। आने वाले समय दे विच मैं भी फखर दे नाल आ सकांगा कि मेरा जिहड़ा प्यो है, मेरा जिहड़ा पिता है, कौम दे लेखे लग के मरिया। ये संगत जी जो गुरु गोबिंद राय जी महाराज खुश होए तो उस समय संगत जी गुरु गोबिंद राय महाराज जी उन्होंने हाथ दे विच पल्ला पाया, दोवें हाथ जोड़ के भाई जैता जी उन्होंने कहन लगे, भाई साहब जी जे तुसी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की गल नूं मन के साडे तक ये सुनेहा पहुँचाया है तो गुरु घर का एक होर तुहानूं हुक्म लगता है, जे तुसी ओ हुक्म नूं पूरा करोगे तो तुहानूं लोक परलोक दे सुख देवांगे। भाई जैता जी हुणा ने इधर भी संगत जी हाथी जोड़े। भाई जैता जी कहन लगे, गोबिंद राय जी जे तुहाडी कृपा होवेगी, गुरु घर की कृपा होवेगी, फिर तो हरेक कार्य आसान हो सकता है। गुरु गोबिंद राय महाराज जी ने आख्या, जैतिया जिस दिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सीस धड़ दे नाल वखरा होवेगा उस दिन उन्हां दे मृतक शरीर की जिहड़ी देखभाल है तू करनी है, उन्हां दे शरीर का संस्कार तू करेगा, उन्हां दा जिहड़ा धड़ है उहदा संस्कार भी तू करेगा। ये संगत जी पातशाह गुरु गोबिंद राय महाराज जी उन्हां ने 2 हुक्म लाए, पहला हुक्म उन्हां दा सीस दिल्लियों आनंदपुर साहब लैके आना है, दूसरा उन्होंने धड़ का संस्कार तू आप करेगा। किन्ने वड्डे भाग हैं जी, भाई जैता जी हुणां दे किन्ने चंगे कर्म हैं कि गुरु साहब जीआं दे शरीर की सेवा संभाल भाई जैता जी हुणी कर रहे हैं। इत्थे भी संगत जी एक पॉइंट है,
गुरमत नूं मुख रखदिआं होइआं आपां की वेने कि जिहड़ा प्यो दा शरीर है उहनूं लांबू कौण लाउंदा है उहदा पुत्तर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं ने इह गल क्यों आखी, क्योंकि पता सी कि गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं ने जिन्ना प्रेम मेरे नाल कीता है, जिन्ना प्यार मेरे नाल कीता है, उस तों वध प्यार भाई जैता जी उहनां दे नाल कीता है, अपने पुत्तां तों वध प्यार कीता है। इस करके इह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सोचा कि ए मेरे मेरे ही प्यो नहीं, ए गुरु तेग बहादुर जी महाराज भाई जैता जी दे भी पिता जी हैं। ड्यूटी लगी संगत जी, भाई जैता जी हुणी दोबारा फिर आनंदपुर साहब की धरती तो दिल्ली नूं चलदे हन। ये संगत जी गल जिनी स्टेजां ते कहनी सौखी, उन्हां जाना सौखा नहीं। अज दे संगत जी वहीकल चलदे हन, मोटर गड्डियां चलदियां हन, ते अज संगत जी आनंदपुर साहब तो दिल्ली नूं जाइए ते आपां कुछ समय विच पहुँच सकते हैं। पर संगत जी जदों जंगली इलाके हुंदे सी, जंगलां दे विच खुले शेर घूमदे सन, बघियाड़ घूमदे सन, जिन्हां दा पता नहीं सी कि कदों आ के इन्हां ने पै जाणा ते संगत जी मार देना है। फिर संगत जी उस समय भाई जैता जी हुणी आनंदपुर साहब की धरती तो चाला पा के दिल्ली नूं जांदे हन। दिल्ली जाके गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरणां विच नमस्कार कीती, सतगुरु साहब जी तुहाडी कृपा दे नाल तुहाडा पहुंचाया होया सुनेहा मैं उत्थे दस आया हाँ। उस समय संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्हां ने अपनी दस्तार, अपना कलगी तोड़ा भाई जैता जी उन्हां नूं दिता है। जैतिया एक काम गुरु घर दा तू होर करना है, सतगुरु जी दसो की, ते दसिया के अज तो बाद जो गुरता गद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं मिलेगी इहदी सेवा भी तू आप जाके निभावेंगा। ये संगत जी ड्यूटियां क्यों लग रही हैं, इन्ने वड्डे हुक्म संगत जी क्यों लग रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरु घर नूं पता कि ये जिम्मेवार सिख है, ये मजहबी सिख है, अपने मजहब दे विच पक्का है। जे इन्हें अपने मुख तो एक ही कह दिता सतगुरु जी तुहाडी कृपा ना होवेगा, तो फिर ये अपना कार्य संपूर्ण करके छड़ेगा। उस समय संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी का समा 12 to 1 का सी। औरंगजेब बादशाह ने ऐलान किया कि 12 to 1 के विच शहीदी नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो सीस धड़ दे नालों वखरा होगा, ये शाम के वेले 5-6 होगा, उहदा भी कारण है। औरंगजेब बादशाह कहन लगा कि जे इन्हां दी शहीदी 12-1 कर दित्ती उदों तां लोक अपने कम्मां कारां दे हुंदे आ, की पता लगेगा कौन शहीद हो गया, क्योंकि उदों संगत जी उस समय विच कोई ना कोई संगत जी इन्हां दी बली चढ़दा रहिंदा सी। औरंगजेब बादशाह ने संगत जी उस समय आखिया कि इन्हां दी शहीदी 5-6 होवेगी। शाम का समा होया, गुरु तेग बहादुर जी महाराज बड़े खुश हो रहे, गुरु तेग बहादुर महाराज जी बाणी पढ़ रहे हैं। संगत जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे कोल सब तो पहला औरंगजेब बादशाह दे महल दे विच काम करन वाला संगत जी एक खजानची आया। खजानची आ के कहन लगा गुरु तेग बहादुर महाराज, मैं औरंगजेब बादशाह दा खानदानी खजानची हाँ, मेरा दादा भी खजानची सी, मेरा प्यो भी खजानची सी, मैं भी इत्थे खजानची करदा, ते आने वाले समय विच इह ड्यूटी मेरे पुत्तर नूं मिलेगी। महाराज साहब जी बाणी पढ़ रहे सी ते महाराज साहब जी ने इहदा हाथ नाल इशारा कीता बह जा, ओह संगत जी बैठ गया। उस तों बाद संगत जी इतिहास दसदा कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे कोल कसाई आया, नाल दी नाल संगत जी अपनी श्री साहब नूं तिखी करी जा रहा है, ते नाल दी नाल आखदा सतगुरु जी मैं इत्थों दा खानदानी कसाई हाँ, मेरा दादा भी कसाई सी, मेरा प्यो भी कसाई सी, मैं भी कसाई हाँ, ते आने वाले समय विच ये ड्यूटी मेरे पुत्र नूं मिलेगी। उस तो बाद संगत जी तीसरे नंबर उत्ते औरंगजेब बादशाह दा वजीर आया, उन्हें भी यही गल आखी। सतगुरु साहब जी ने तिन्हां नूं इशारा किया कि इत्थे बैठ जाओ। बैठ के सतगुरु साहब जी हुणी गुरबाणी की संपूर्णता करते हुए आखते हैं, ओ कसाईया, ओ वकीला, ते ओ गुरु घर, ओ वजीरा, जे तुसी तिन्नों इत्थे
खानदानी ड्यूटियां निभा रहे हो, जे तू इथों दा खानदानी कसाई है तो इथों दा खजान खानदानी वकील है तो इथों दा खानदानी वजीर है। ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहन लगे साडी भी एक गल है। सतगुरु जी कहन लगे जे तुसी खानदानी हो ते याद रखियो मैं भी इतिहास दे विच मैं भी सिख कौम दे विच खानदानी शहीद हां। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज बड़े फखर दे नाल कहन लगे के मेरा दादा भी शहीद सी, मैं भी शहीद होण लगा, आउण वाले समय विच मेरा पुत्र भी शहीद होवेगा ते अगे मेरे पोतरे भी शहीद होणगे। ए गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुणा ने गल चांदनी चौंक दे विच बैठ के कीती। ये संगत जी जो वचन किए इन्हों के थल्यों संगत जी जमीन निकल गई कि इन्हों के अगे श्री साहब तिखी हो रही मौत का कोई डर ही नहीं। गुस्से दे विच वजीर आया है, वजीर ने आख्या कि इन्हों का शीस धड़ दे नाल वखरा करो। गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्होंने संगत जी बाणी के जाप आरंभ किए हैं। समा अपने हिसाब के नाल चलता गया, बहुत व्डा इकट्ठ उस समय संगत जी चांदनी चौंक में होया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शीस धड़ दे नाल इको वार दे विच वखरा कीता गया है। भाई जैता जी हुणी उस समय ये पूरे संगत जी काम नूं उत्थे खड़े देख रहे सन। भाई जैता जी हुणा दे मन विच वैराग बहुत सी, क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हथी पा लिया है, हथी पालिया है, हथी परवरिश कीती है, हथी खवाया है। किसे दे सामने संगत जी दे प्यो दा जिहड़ा सीस है धड़ दे नाल वखरा कीता जावे ते मन दे विच वैराग नहीं आवेगा। भाई जैता जी उन्होंने सारी गल नूं जरिया है। संगत जी जे समय रात दा समा होया, भाई जैता जी उन्होंने नाल उन्हां दे पिता भाई सदानंद जी आए। भाई सदानंद जी हुणा नूं भाई जैता जी कहन लगे, पिता जी आपां नूं ये ड्यूटी लगी है ते आपां पूरी करनी है। भाई जैता जी हुणा ने सदानंद जी हुणा नूं आख्या, पिता जी इवें करो कि मेरी श्री साहिब ला के मेरा जिहड़ा सीस आ धड़ दे नाल वखरा कर दवो। जदों मेरा सीस वखरा हो जाएगा मेरा सीस उत्थे रख दिओ, मेरा धड़ उत्थे रख दिओ ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा लै जाओ। सदानंद जी कहन लगे, पुत्रा नहीं, ये ड्यूटी तेनू मिली आ, ए तेनू काम गुरु घर वालों मिलिया, इवें कर तू अपनी श्री साहिब कढ़, मेरा शीस धड़ दे नाल वखरा कर दे ते उत्थे मेरा शीस ते मेरा धड़ रख ते तू आप दिल्ली नू चल आ, आप तू आनंदपुर साहिब नू चल आ। संगत जी उस समय भाई जैता जी उन्होंने इतिहास दसदा कि अपने प्यो का सिर धड़ दे नाल वखरा कीता भाई सदानंद जी का। ये भी संगत जी किन्ना वैराग लैके कीता होगा, धड़ दे नाल शीस वखरा कीता। हनेरी चल रही सी, बारिश हो रही सी, जेड़े पहरेदार लगे से संगत जी परे गए। संगत जी उस समय कुछ मिनटां दे विच भाई जैता जी उन्होंने अपने पिता जी उन्हां दा शरीर उत्थे रखिया, शीस उत्थे रखिया ते पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी का धड़ अते शीस चुके उत्थों चाला पा दिता। रस्ते में संगत जी पांच पड़ा आउंदे हन पर समा इन्ना नहीं कि आपां पंजां पड़ावां दा जिक्र कर सकीए। एक पड़ा आउंदा है संगत जी धोबी देवा राम दा। उस समय संगत जी भाई जैता जी हुणी उन्हां दे शीस दा संस्कार करके पातशाह जी हुणा दा जिहड़ा शीस सी ना ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਲੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਧੋਬੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਧੋਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲੁਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਧੋਬੀ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ।
उन्होंने आख्या समा हो गया, रात हो गई, इवें करो अज दी रात मेरे घर रुको, सवेरे तुसी अपने घरे चले जायो, बारिश वाला मौका है, उधरों जंगी जंगली जानवरों का पता नहीं, तुहानू नुकसान पहुँचाउणगे, तुसी मेरे घर चलो। भाई जैता जी हुणी संगत जी धोबी देवा राम दी घर एक रात रुके आ, रात रुके संगत जी, धोबी देवा राम कहिंदे कि गिलास दे विच पानी पा रहा, बड़ा खुश है कि अज मेरे घर सिख आया। धोबी देवा राम कहन लगा कि सिखा सानू दस गुरु तेग बहादुर महाराज जी का किवें आ। मैनू गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने आख्या सी सिखा तेरे घर जरूर आवांगे, तेरे घर दे विच आके तेनू दर्शन जरूर दवांगे। धोबी देवा राम कहन लगा सिखा बड़ी मन की लालसा के गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे घर आउण। जो संगत जी ये भजन किए ना तो भाई जैता जी हुणा दी भुब निकल गई, अखां दे विच हंजू आ गए। धोबी देवा राम जी कहन लगे कि भाई साहब की होया, तुसी अपनी अखां दे विच ये जल क्यों लैके आंदा? ते सतगुरु साहब जी दा संगत जी सीस इदां लाया आ, ते संगत जी भाई जैता जी चुप रहे, कुछ दस्या नहीं। धोबी देवा राम जी कहन लगे भाई साहब आ तुहाडे कोल की, मैनू दे दवो, मैं पेटी दे विच रख दिना, सवेरे लै जायो, तुहाडा कीमती समान होवेगा। ते उस समय संगत जी भाई जैता जी कहन लगे कि यह कीमती नहीं, ये बेकीमती है, इहदी कीमत संगत जी भाई जैता जी कहन लगे कि कोई भी नहीं मोड़ सकता। धोबी देवा राम ने आख्या कि सानू तुसी गुरु तेग बहादुर महाराज जी बारे नहीं दस्या, मैं तो उन्हां वास्ते पेटी विच एक चिट्टे रंग की चादर भी रखी है। मेरे मन की इच्छा है कि जिदन सतगुरु जी आउणगे ना तो वह चादर नूं कट करके एक चौर साहब बनावांगा सतगुरु साहब जी दे सीस उत्ते करन लई। उस समय भाई जैता जी कहन लगे देवा राम तेरे मन की इच्छा सी अज पूरी हो गई, सतगुरु का वचन सी, सतगुरु ने अपना वचन पूरा किया, जाओ चादर कढ़ के लिया, अज तेरे घर सतगुरु जी आप आ गए। धोबी देवा राम कहन लगे मैनू तो कितने देखते नहीं। भाई जैता जी कहन लगे तुसी चादर लैके आओ, तुहानू दर्शन भी होणगे। उस समय संगत जी जिहड़ी चादर पेटी विच रखी सी चौर साहब की सेवा करन वास्ते वो लियांदी है, वो जिहड़ा सीस भाई जैता जी उन्होंने हाथ में फड़िया सीगा, वो संगत जी का अगे किया। भाई जैता जी हुणे कहन लगे देवा राम जी एक एक पल्ला चुकी जाओ, वाहेगुरु वाहेगुरु आखी जाओ, इहदे विचों तुहानू सतगुरु साहब जी दे दर्शन होणगे। बचना नूं मन्निया संगत जी एक एक पल्ला चुकिया, वाहेगुरु वाहेगुरु करदे थले संगत जी वेख्या गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पूरा जिहड़ा चेहरा आ खून दे नाल लथपथ। धोबी देवा राम संगत जी भुब्बा मार के रोण लगा, भाई जैता ने हाथ जोड़े वे आ कैर नंग जारी, मैनू बड़ी वड्डी ड्यूटी मिली आ, मेरिया अखां सामने मेरे प्यो दा जिहड़ा सीस आ धड़ दे नाल वखरा होया, मेरा भी चित करदा मैं रोवां, मेरा भी चित करदा मैं धाहां मार मार भुब्बा मार मार रोवां, पर मेरी जिहड़ी ड्यूटी आ ना वह मैं पूरी करांगा। पहला भाई जैता जी हुणां ने संगत जी सारी गलबात दसी, सारी रात धोबी देवा राम ते उहदी घरवाली उसे चादर का चौर बना के गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे सीस ते करदे रहे। अगली सवेर होई भाई जैता जी हुणी संगत जी चाला पा के कीरतपुर साहब की धरती ते पहुँचते हैं। भाई जैता जी हुणां ने उत्थों संगत जी सिखां नूं आख्या कि सिखो आनंदपुर साहब जाके तुसी सरेहां लाओ कि तुसी जिहड़ी ड्यूटी लाई सी उह पूरी हो गई है। गुरु गोबिंद राय महाराज जी संगत जी पालकी साहब सजा के आए हैं। बाबा जैता जी हुणां ने अपने गल वकड़ी दे विच पिता दा जिहड़ा सीस आ उह रखिया आ। उस समय संगत जी पालकी दे विच बैबाना दे विच सतगुरु साहब जीआं दा सीस कीरतपुर साहब दी धरती तों आनंदपुर साहब खड़िया गया, सतगुरु साहब जीआं दे सीस दा संस्कार कीता गया, गुरता गद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं नूं बख्शिश होई। उस तो बाद संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्होंने आख्या भाई जैतिया हुण तू सानू ये दस कि रस्ते दे विच तू की देख के आया है, किवें तू आप गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सीस उत्थों लैके आया। गोबिंद राय जी हुणां ने संगत जी जदों पुछिया ना भाई जैता जी हाथ जोड़ के कहन लगे तुसी तां गद्दी दे मालक हो, घटां घटां दी जानण वाले, तुहाडे सामने किहड़ा कोई ओला, सतगुरु जी तुहानूं पता ही है। जाने कि अपनी वडियाई भाई जैता जी ने रोक के रखी।
जो संगत जी वड्याई रोक के रखी ना उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या नहीं जातिया मैनू तो पता है पर जो सिख खलोते इन्हों नहीं पता कि तू कि अंकड़ा चो आ जे समय संगत जी भाई जाता जी उन्होंने दसिया कि अपने प्यो का शीस सदा आनंद का शीस धड़दे नाल वखरा करके उत्थे रख के आया तो सतगुरां का शीस जिहड़ा है वो चुक के लिया संगत जी सारे सिख भुब्बा मार के रोन लग गए कितना वड्डा जिगरा होगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्होंने संगत जी गल वकड़ी दे विच लिया पातशाह जी उन्होंने खिताब दिता रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ के संग समेटे सतगुरु जी कहन लगे कि आज तो बाद रंगरेटे सिख मेरे रंगरेटे सिख मेरे पंथ दे नाल समेटे गए जैत्या हुण सानू ये दस कि उत्थे कोई सिख नहीं सी जो तेरी मदद करदा सतगुरु जी सिख तो बहुत सी पर सिखां दी पछाण कोई नहीं तुरकां ने इन्ना कह गुजारिया अज दे समे विच सिख पछाने नहीं जांदे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहन लगे आने वाले समय विच ऐसा सिख सजा देवांगा करोड़ां दे विच खलोता दिख जाया करेगा लखां दे विच पछाण होया करेगी मेरे सिख दी पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हां ने संगत जी अपना बचन 1699 विसाखी वाले दिन पूरा किया सतगुरु साहब जी उन्होंने श्री साहब कढ़ के 5 शीस मंगे संगत जी शीस धड़दे नाल वखरा करके दोबारा जोड़िया खंडे बाटे दी पौल छका करके सिख तो सिंह सजा दिता बाणी बाणे दे नाल संगत जी जोड़ दिता शस्त्र शास्त्र दे नाल जोड़ दिता सतगुरु जी ने आख्या जेड़ा बाणा पावेगा वह बाणी भी पढ़ेगा जेड़ा श्री साहब चलावेगा वह शास्त्र भी पढ़ेगा जेड़ा शास्त्र पढ़ेगा वह शस्त्र भी चलावेगा जदों संगत जी ये बचन किए तो सतगुरु साहब जी उन्होंने संगत जी श्री दसम ग्रंथ की बाणी भी लिखिया है सुनो नंद लाल जह साज प्रगट करूंगा अपना राज चार वर्ण एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु जी का नाम जपाऊं झूलन ने जे हस्ती साजे द्वार द्वार पुर नौबत बाजे सवा लाख जब तुखे पलीता तबै खालसा उदय अस्त लो जीता सतगुरु जी कहिंदे के आम लोग सौन लगनगे ते मेरा खालसा उठ के नितनेम कर रहा होगा यही है जी 12 मई तो बाद अमृत वेला होंदा अज दे समय विच 12-1 बजे लोग सौंदे आ ते जेड़े संगत जी अमृतधारी सिख उठ के इशनान करके गुरबाणी पढ़ रहे होंदे सतगुरु साहब जी उन्होंने संगत जी खंडे बाटे दी पौल छका के पाई जाता तो बाबा जीवन सिंह जी बना दिते ऐसे सिख दा संगत जी आज जन्म दिहाड़ा है प्रकाश दिहाड़ा है सानू संगत जी फकर होना चाहिए आप उन्हां दी कौम दे विच आज कोई पुछे ना तुहाडी जात की है ते मैं बहुते वेखे आ संगत जी लकाउंदे आ कि मैं ना दसां मैं मजबी आ क्यों लकाउंदे आ ये मैनू आखूगा नीवा है नीवी जाति दा पर नहीं संगत जी फकर दे नाल आख्या करो सी संगत जी उच्चा करके आख्या करो मैं मजबी हाँ बड़िया वड्डिया कुर्बानियां जे संगत जी बाबा बोता ते बाबा गरजा जी हुणां ने संगत जी मुगलां नूं संगत जी एक वारी पता लवा दिता सीगा ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਜ਼ਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਾਚਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਜ਼ਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ